फिर भाई इंटरव्यू के लिए ऑल सेट? तैयारी तो हफ्तों से कर रहा हूँ, आई थिंक ये वाला मिल जाएगा। सही है, मुझे भी लगता है इस दफा तू क्रैक कर लेगा। यू आर परफेक्ट फिट। लेट्स होप सो। हो जाएगा यार। अच्छा ये बता, लंच पे मिलेगा? खर्ची तोड़ बिरयानी खाते हैं। यार भूख तो अभी से लगी है, जल्दी जल्दी मैं नाश्ता भी नहीं कर पाया। कहाँ मिलेगा, करीम्स या दरबार? पागल हो गया क्या, उनके पास क्यों जाएंगे खाना खाने? आजकल ना माहौल ठीक नहीं है, और इन लोगों से ना जरा तू बच के रह, अपने लोगों के पास चलते हैं। ऐसा करते हैं गंगा सागर चलते हैं। ठीक है चल, कब तक फ्री होगा? 12 बजे तक तो इंटरव्यू हो जाना चाहिए। चल सेट है दादा। ओके फिर, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू। हाँ मिलते हैं, बाय। आप भी इंटरव्यू के लिए? मैं भी, वैसे मैं शाहिद। कौन सी पोजीशन के लिए हो? हाउसकीपिंग। आप? सीनियर मैनेजर। ओह क्या बात है। वैसे मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। शायद दरबार में देखा होगा, पिछले महीने तक हम वहीं पे काम करते थे। हमारे अब्बू अम्मी भाई सब उन्हीं के यहाँ काम करते हैं। दरअसल हमारी अम्मी का सपना है कि हम किसी बड़ी कंपनी में लग जाएं, तो हम यहाँ। ओके एवरीवन, मिस्टर कैलाश हैड टू गो फॉर एन अर्जेंट मीटिंग, सो ऑल इंटरव्यूज विल बी आफ्टर लंच। ओके लेट्स से अराउंड 1 PM। सॉरी अबाउट दैट चेंज। नीचे फर्स्ट फ्लोर पे कैंटीन है, तो आप लोग खाना खा के आ जाइए। ठीक है, सी यू एट 1 PM। क्या बिरयानी यार, यहाँ ब्रेड ऑमलेट खाने का भी पैसा नहीं है। जल्दी में वॉलेट टेबल पे भूल गया और अब इंटरव्यू भी पोस्टपोन हुआ है। भूख से हालत खराब है और साला आज दिन ही खराब है। वैसे हमारी अम्मी बड़ी अच्छी बिरयानी बनाती है। अरे नहीं, एक बार खा के तो देखिए, मना नहीं कर पाएंगे उसके बाद। बहुत प्यार से बनाती है हमारी अम्मी, दरबार से भी अच्छी। वाओ वाकई में, पर थैंक्स, इतना काफी है। थैंक यू। अरे खाइए तो, शर्माइए नहीं। लेकिन ये आपके लिए है। मेरा पेट भरा हुआ है, मैं नाश्ता करके आया हूँ, मगर अम्मी ने जबरदस्ती डब्बा थमा दिया। आपकी अम्मी के हाथों में वाकई जादू है ना? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आपने कभी पसंदे खाए हैं? आइए कभी घर पे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। कमाल है, बहुत मजा आया। आप भी खाना शेयर करते हैं? हाँ हाँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। कहने को दुनिया एक परिवार है कहते हैं, पर दिल से ऐसा कोई क्यों मानता नहीं? बैर करना तो इंसानी फितरत है, वरना ये मजहब बैर करना जानते ही नहीं।